गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब सही चल रहा होगा। तो वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कुणाल शर्मा और मैं मार्टिन लूथर यूनिवर्सिटी हाले का एक स्टूडेंट हूँ। मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ और ये मैं अपने चैनल पे लाइफस्टाइल एंड एजुकेशनल वीडियोस एंड व्लॉग्स अबाउट जर्मनी बनाता हूँ। एंड आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी हाउ टू फाइंड एकोमोडेशन इन जर्मनी। अगर वो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके पहले देखें। तो मैंने उसमें कहा था कि मैंने अपना घर चेंज करा है एंड मैं अभी दूसरे अपार्टमेंट में आया हूँ। तो अगर उसका किसी को अगर आपको टूर चाहिए तो आप कमेंट में बताओ। और फिर मेरे को कमेंट्स आए थे तो मैंने सोचा उसी पे वीडियो बनाते। तो आज की वीडियो जो मैंने अपार्टमेंट शिफ्ट करा है जो अभी रेंट पे लिया है उसके बारे में होगी, उसका पूरा टूर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं अभी नीचे आ गया हूँ और चलते हैं वो जो ट्रैम के स्टॉप की तरफ जो मैंने कहा, और अपना घर दिखा दो फिर। तो जी, मैं अभी यहाँ नीचे उतरा हूँ एंड ये मेन स्क्वायर है, इसको रानीशर प्लाट्स कहते हैं, मतलब ये जगह को। एंड वहाँ पे वो मेरा घर है, वो सेकंड फ्लोर वहाँ पे वो मेरा घर है। एंड वहाँ से वो सीढ़ियाँ नीचे आ रही, मैं इधर आया था ये दिखाने। एंड अभी चलते हैं वहाँ पे, ट्रैम का स्टॉप उधर है, फिर वहाँ से ऊपर दिखाते हैं। तो मैं ये भाई अभी नीचे आ गया हूँ, ये दिख रहा होगा सामने ट्रैम का स्टॉप है, मतलब यहाँ पे ट्रैम का स्टॉप एंड इधर घर। यहाँ से 2 मिनट के रास्ते पे पैदल का रास्ता ये ट्रैम का स्टॉप। यहाँ से मतलब रोज़ सुबह कॉलेज जाता हूँ, डायरेक्ट ट्रैम है, 15 मिनट लगते हैं। एंड अब घर की तरफ। तो यहाँ थे तो ये मेरा लेटर बॉक्स, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लेटर आते हैं सबके बने हुए। तो भाई ये देखा होगा स्टॉप जस्ट बगल में ही है, पहले वाला जो था वो कितना दूर था, जो मेरा हॉस्टल टूर था। अगर वो नहीं देखा तो लिंक आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, वो जाके देखो। वो मतलब 10 मिनट दूर था, यहाँ पे 1-1.5 मिनट में मैं पहुँच जाता हूँ पैदल। एंड ये जो मेरे सारे पोस्ट बॉक्स लगे हैं जो पूरे रहते हैं यहाँ पे, कितने 6-7 फ्लैट्स हैं सबके पोस्ट बॉक्स लगे हैं। और ये एंट्रेंस थी एंड जस्ट एंट्रेंस के साथ में ये ऊपर स्टेयर्स आ रही हैं, यहाँ पे लिफ्ट नहीं है। एंड यहाँ नीचे की साइड पे स्टोर रूम बने हैं, जैसे अगर मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पे पूरा पुराने टाइप है, जैसे ये सारे स्टोर रूम वगैरह। अगर किसी ने अपने बाइसाइकिल वगैरह रखनी है तो, या कोई सामान वगैरह रखना तो ऐसे रखते हैं यहाँ पे। और ये सारा है डस्टबिन का एरिया, मतलब पूरे ऊपर जो पूरा बिल्डिंग का डस्टबिन जो कूड़ा है वो सारा एक ही साथ जमा होता है और एक ही साथ में हो जाता है। भाई ये देखा होगा मतलब कि ये कितना पहले जो स्टूडेंट हॉस्टल था वो कितना चेंज है इससे। वो मतलब वहाँ पे बाहर पड़े हुए थे एंड वो पूरे हॉस्टल का एक साथ जाता था। यहाँ पे जो 6-8 घर है पूरे ऊपर बिल्डिंग में सबका एक साथ जाता है। एंड ये कुछ ऐसा है जो नीचे केलर कहते हैं इसे, एंड बेसमेंट टाइप कहते इंग्लिश में बोलेंगे तो। एंड ये सारा पूरा फैला हुआ, मतलब इधर भी मतलब कोई पुरानी भूत वाली पिक्चर होती है, पूरा वैसी फील आ रही है जो ये नीचे पूरा बेसमेंट बना हुआ है। और इससे पहले कि कोई आके मुझे पकड़ ले मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ से रास्ता है ऊपर अपना घर दिखा रहे। तो ये जो बेसमेंट था यहाँ से ऊपर चलते हैं, सेकंड फ्लोर है तो ऊपर चलते हैं। तो ये मैं सेकंड फ्लोर पे पहुंच गया हूँ एंड ये है हमारा गेट, चलते हैं अंदर। तो यहाँ स्टार्टिंग में यहाँ एक रूम है जो ये वाला, उसके बाद यहाँ पे थोड़े जो जूते चप्पल रखे हैं यहाँ पे स्टैंड है शूज़ वगैरह के, यहाँ पे टांगने के लिए जैकेट्स प्लस स्टैंड, वहाँ किचन, यहाँ पे वॉशरूम, यहाँ कॉमन रूम और वहाँ दूसरा रूम और ये मेरा रूम। तो ऐसा कुछ है मेरा रूम। यहाँ पे मतलब इतनी अभी कोई चीज़ें भी आई नहीं है ज़्यादा। यहाँ पे बेड रखा है, यहाँ पे एक छोटी सी अलमीरा है, एक टेबल, वहाँ मेरी बुक्स पड़ी हैं, थोड़ा सामान उधर, यहाँ मेरे बैग पड़े हैं 2 बड़े बड़े, यहाँ बुक्स पड़ी हैं, बैग वैग थोड़ा थोड़ा सामान ऐसे। तो जी ये वाला मेरा बेड है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ना कि जो मेरी हाउसिंग वाली वीडियो थी हाउ टू फाइंड एकोमोडेशन इन जर्मनी, तो उसमें कि मैं एक बेड मैंने मंगवाया था, तो ये बेड था एंड ये टेबल थी,
ये अलमीरा थी। अभी और भी मतलब फर्निश करना है क्योंकि अभी सही से करा नहीं, एक ही महीना हुआ है, एक डेढ़ महीना हुआ है, तो मुझे अभी पूरा सही से करना है। एंड ये मेरा रूम है और बाहर चल के दिखाते हैं, और मतलब एक कॉमन रूम है, वैसे टोटल तीन रूम है, एक कॉमन रूम है एंड एक वॉशरूम है और एक किचन है। और बाकी मेरे साथ दो भैया रहते हैं, वो भी इंडियन है, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने बताया था वीडियो में कि मेरे फ्रेंड के थ्रू मुझे ये घर मिला था, तो सब भी दोस्त हैं और काफ़ी अच्छे हैं, तो हम सारे साथ में खाना बनाते हैं एंड कोई भी चक्कर नहीं। जैसे मेरा पहले घर था जो हॉस्टल टूर में था, सबका अलग अलग कंपार्टमेंट था, तो वहाँ पे ऐसे यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है, सब एक दूसरे का यूज़ करते हैं और काफ़ी सही रहता है सब। तो अब मैं बाहर चल के दिखाता हूँ, वो ये अपने रूम से बाहर चलता हूँ, तो यहाँ पे दिखाई एक वो भैया का रूम है और यहाँ पे किचन है, तो ये हमारी कुछ ऐसी किचन है। एंड यहाँ पे ये है गैस स्टोव, ये इलेक्ट्रिक वाला होता है, ये गैस स्टोव है, ये यहाँ पे ओवन रखा है, एंड यहाँ पे फ्रिज है इसका ये निकल गया था। एंड यहाँ पे सब मतलब यहाँ पे माइक्रोवेव, यहाँ पे ये बर्तन धोने की मशीन है, मतलब ये भी साथ में फिटेड आई थी जो कि ये स्टूडेंट हॉस्टल में नहीं थी। एंड यहाँ पे सब सामान वगैरह रख सकते हैं। एंड ये थोड़ा बाहर का व्यू, तो ये हमारी किचन है ऐसे ही कोई पूरी। और यहाँ पे अगर वैसे किसी को पता होगा तो जर्मनी में वेस्ट सारा अलग अलग करना होता है, जैसे एक ये डस्टबिन होता है, इसमें सब खाने का जो भी लेफ्ट ओवर्स होता है वो वाला वेस्ट होता है। और आप थोड़ा अगर करना चाहो तो जैसे वो कार्टन्स वगैरह आते हैं वो सब इसमें रख सकते हो, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह कुछ लिया उसके कार्टन्स, एंड ये नॉर्मल वेस्ट के लिए, ये ऐसा रहता है यहाँ पे जो अलग अलग सब सॉर्ट करना होता है। ये थोड़ी किचन अलग दिख रही होगी, मतलब जो मेरा पहले वाला घर था जो हॉस्टल टूर था उससे काफ़ी मतलब चीज़ें अलग, क्योंकि वो हॉस्टल था एंड ये प्राइवेट अपार्टमेंट है, रेंट भी ज़्यादा है एंड उसकी वजह से चीज़ें भी अलग अलग हैं। तो ये हमारी किचन है एंड ऊपर एग्जॉस्ट ये भी लगा हुआ है, तो ये सब फिटेड आया था। एंड अब चलते हैं कॉमन रूम की तरफ, तो ये बंद कर एंड इधर हमारा कॉमन रूम यहाँ पे, तो ये हमारा कॉमन रूम है, यहाँ पे टीवी लग रखा है, यहाँ पे एक और रूम है, ये पूरा यहाँ से बहुत सही व्यू है, तो यहाँ से व्यू भाई देखो। ये हमारी बालकनी है, मतलब ये पूरा ये वो ट्रैम इधर स्टॉप है और ये पूरा मेन स्क्वायर है, प्लाट्स रानीशर प्लाट्स कहते हैं इसे, काफ़ी फेमस भी है और काफ़ी सही भी है क्योंकि यहाँ पे सारी शॉप्स वगैरह है और पूरे एरिया में सिर्फ हमारे यहीं पे बालकनी है, मतलब और किसी घर में वहाँ पे कहीं भी कहीं बालकनी नहीं है। एंड ये काफ़ी सही है, मतलब इधर वहाँ दूसरा रूम है, ये वाला मेरा रूम है एंड ये हमारा कॉमन रूम है, तो ये सब है यहाँ पे। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, पहले वाला था जो स्टूडेंट हॉस्टल था वो बिल्कुल सिटी के बाहर था एंड वहाँ पे कोई शॉप्स वगैरह नहीं थी, मतलब एक शॉपिंग के लिए था बट वो थोड़ा दूर था 15-20 मिनट, बट यहाँ पे नीचे जाओ कोई शॉप मिल जाएगी और जो कि रात को देर तक भी खुली रहती है, और यहाँ पे इंडियन स्टोर भी है पास में, तो काफ़ी सही रहता सीन। एंड ये काफ़ी फ़र्क लगा मुझे, जो स्टूडेंट हॉस्टल था वो पूरा सिटी से बाहर था बट ये बिल्कुल सिटी के अंदर है। और अब हम चलता हूँ मैं अपने रूम में और बाकी की बात वहाँ करता हूँ। हाँ, अगर मैं दिखाऊँ तो कि यहाँ पे वॉशिंग मशीन का क्या सीन रहता है, मतलब नॉर्मली यहाँ पे जैसे वहाँ पे स्टूडेंट एंड वेयर जहाँ स्टूडेंट हॉस्टल में रहता था वहाँ पे तो एक कॉमन मशीन होती थी जो पूरा बिल्डिंग यूज़ करती थी, वहाँ नीचे लगी होती थी, बट यहाँ पे क्या सीन है, हमने अपनी ले रखी है एंड वो पहले से थी, जब मैं था उससे पहले की थी, तो वॉशरूम में लगी है, वो यहाँ पर दिखाता हूँ, तो जस्ट ये वॉशरूम में यहाँ पे मशीन लगी है तो वॉशिंग का भी प्रॉब्लम नहीं आती इतनी। तो जी ये था, मैं अपने रूम में आके बैठ गया हूँ, तो ये सारा सीन था, ये जो मैंने अभी घर शिफ्ट करा है जो प्राइवेट अपार्टमेंट में जहाँ पे मैं आया हूँ ये वैसा था। एंड अब रेंट की बात करूँ तो मैं यहाँ का रेंट जाता है 283 यूरोस, जो कि ठीक है मुझे, मतलब मैं पहले 202 यूरोस में रह रहा था जो मेरे स्टूडेंट हॉस्टल था वहाँ पे रह रहा था, बट अब ये प्राइवेट अपार्टमेंट है और इसमें मतलब तीन लोग रह रहे हैं, वहाँ पे हम सात लोग रहते थे, शेयर करते थे एंड सब फैसिलिटीज़ जो किचन में सब लगा हुआ है एंड वॉशिंग मशीन भी है, तो जितनी भी यूज़ करो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो काफ़ी सही है उस हिसाब से 283 रेंट। एंड उसके बाद अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी यहाँ की 700 यूरोज़ है, वो थोड़ी है ज़्यादा, बट अब वो मैंने जैसे बताया कि मुझे घर बहुत अर्जेंट बेसिस पे चाहिए था क्योंकि मुझे
मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था, तो मैंने ढूंढा और मुझे काफ़ी सही लगा यहाँ पे रह के। मतलब थोड़ा रेंट ठीक है, ज़्यादा है, बट काफ़ी सही है, लोग भी काफ़ी सही हैं, जो दो भैया रहते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो हम सब मिलके खाना बनाते हैं और बहुत ही सही रहता है। मतलब यहाँ पे इन्वायरमेंट, लोग हम मिलते हैं और पार्टी वार्टी भी चलती रहती है, तो काफ़ी सही रहता है। तो जी मेरी पूरे हाउस टूर की वीडियो थी, मैंने बताया रेंट, मैंने दिखाया सब अच्छे से, नीचे से पूरा दिखाया अपना केलर वेलर जो बेसमेंट एंड सब कुछ दिखाने की मैंने ट्राई करी। अब आप बताओ कि आपको मेरा जो लास्ट हॉस्टल था उसका जो स्टूडेंट हॉस्टल था जहाँ पे रहता था मैं, वो ज़्यादा अच्छा लगा या ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा? मतलब हो सकता है हर किसी का ओपिनियन, मुझे भी वो अपनी जगह पे काफ़ी अच्छा था। मतलब वहाँ पे स्टूडेंट लाइफ पूरी और थी, वो बिल्कुल आउटस्कर्ट्स पे था, कोई इतनी प्रॉब्लम भी नहीं, शोर शराबा नहीं। बट ये जैसे बिल्कुल यहाँ पे सिटी के बीच में है तो थोड़ा शोर आता रहता है, बट हम दिल्ली वालों को तो आदत है, ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो बस ये सब था एंड ऐसा सब रहा मेरा जो मैं इधर कराया, शिफ्ट करा। आपने हाउस टूर की वीडियो मांगी, ये आ गई, और कोई वीडियो चाहिए हो तो जस्ट कमेंट पे मुझे बताना, मैं ट्राई करूंगा वो बनाने की। एंड तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सब अपना ध्यान रखो, यहाँ पे जर्मनी तो बहुत कोरोना फैल रहा है, बट सब अपना ध्यान रखो जो भी जहाँ पे है। एंड तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, सारे ध्यान रखना, बाय, टेक केयर।